नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी की गई नई लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की इस नई लिस्ट में घर बैठे अपना नाम किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन पर चेक कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं, अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो दोस्तों आपको सभी किसानों को मिलेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं सीधा इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से हम चेक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी में आपको बताने वाले हैं कैसे जो है आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत आपको गूगल का न्यू पेज ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है pmkisan.gov.in। दोस्तों, इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दिया है, आप वहां से भी साइट के ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप pmkisan.gov.in सर्च करेंगे तो आपके सामने यहां पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो दोस्तों आपकी जानकारी लेने के लिए मैं बता दूं, इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो किसानों से संबंधित गवर्नमेंट की तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी अगर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे अभी रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास में आपको एक छोटे से बेल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है इसमें वाइट कलर से काफ़ी ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फार्मर कॉर्नर का। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा फार्मर कॉर्नर का, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से और नए फीचर ओपन होंगे, जैसे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, अपडेट ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन, एडिट आधार फीचर रिकॉर्ड, बेनिफिशियरी लिस्ट, बेनिफिशियरी स्टेटस, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, पीएम मोबाइल ऐप, ये तमाम अलग अलग ऑप्शन हैं, इनका अलग अलग उपयोग है। अगर आप इन सभी फीचर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं इनका क्या क्या उपयोग है, तो आप हमारे मोबाइल आप जो हमारे यूट्यूब चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको सरकारी योजनाओं के नाम से प्ले लिस्ट में आपको ये सारे वीडियो का वीडियो जानकारी जो है मैंने प्रोवाइड करा रखी है, आप वो वीडियो वॉच करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम इस वीडियो में नई लिस्ट की बात कर रहे थे तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है 5th नंबर पे बेनिफिशियरी लिस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप बेनिफिशियरी लिस्ट के ऊपर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट जो है अपडेट होती रहती है, जैसे जैसे किसानों के नाम जुड़ते रहते हैं वैसे वैसे लिस्ट जो है अपडेट होती रहती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सिंपली आपको अपने राज्य टेस्ट जो भी आपका राज्य हो, जो भी आपका स्टेट हो, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट उप ज़िले का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना ब्लॉक खंड का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जो है अपने गाँव या अपने विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसके तहत आप लिस्ट चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चलिए मैं आपको लाइव बता देता हूँ। तो चलिए, आप जिस भी राजस्थान से हो या उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा, सिक्किम, किसी भी राज्य से हो भारत के, आपको अपने राज्य का नाम जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपना राज्य का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो राज्य सेलेक्ट किया है उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों के नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको इनमें से एक ज़िले का नाम जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका ज़िले का नाम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सब डिस्ट्रिक्ट, इसके अंतर्गत सब डिस्ट्रिक्ट में आपने जो ज़िला सेलेक्ट किया है उसके जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी खंड हैं, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है यानी कि उप ज़िला है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लॉक के अंतर्गत आप अपना ब्लॉक, अपना खंड जो है सेलेक्ट करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपके उस खंड में जितने भी गाँव हैं उन सभी गाँवों के नाम आपके सामने से होंगे, तो आपको अल्फ़ाबेट सीरियल से आपको नाम दिखाई देंगे। तो आपको सबसे पहले अपना ज़िले का जो नाम है, सॉरी दोस्तों, अपने गांव का जो नाम है वो आपको फाइंड करके और उसके सामने चेक मार्क आपको लगा देना है।
तो चलिए हम यहाँ पे अपने गांव के नाम के सामने चेक मार्क लगा देते हैं। तो दोस्तों आपको फिर मैं रिपीट कर दूँ, सबसे पहले आप अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने ज़िले का, उसके बाद अपने उप ज़िले का, उसके बाद अपने खंड का यानी कि अपनी तहसील का, उसके बाद अपने गाँव का नाम सेलेक्ट करेंगे। ये पाँचों डिटेल भरने के बाद आपको जो आगे ग्रीन पट्टी में गेट रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे ही आप गेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट जो है ओपन हो जाएगी। आपके गांव के अंतर्गत जितने भी किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनको किस्तें प्रोवाइड हो रही है, उन सभी किसानों का नाम आपके सामने से होगा। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे फार्मर नेम दिखाई देगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर दिखाई देगा, मेल फीमेल। तो दोस्तों आप यहाँ पे इस लिस्ट में, चलिए मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, तो आप यहाँ पे इस लिस्ट में अपना नाम जो है चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में नाम जो है अल्फ़ावेट यानी कि ABC सीरियल वाई क्रम वाई आपको नाम दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक पेज के अंतर्गत 50 कैंडिडेट्स के नाम शो होंगे। अगर इन कैंडिडेट्स में आपका नाम नहीं मिलता है तो आप नीचे, आपको यहाँ पे पेज संख्या दिखाई देगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस गांव में 5 पेजों के तहत यहाँ पे किसानों के नाम दर्शाए गए हैं। तो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है, तो आपको उसी नंबर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने 3 नंबर पर क्लिक किया है तो हमारे सामने 150 कैंडिडेट्स की लिस्ट ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 कैंडिडेट्स के नाम जो है आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं R तक नाम यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आपका नाम S पे आता है तो आपको डायरेक्ट जो है इस तरीके से आपको नेक्स्ट करके और अपना नाम जो है यहाँ पे फाइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं अब S नाम के कैंडिडेट्स के नाम आना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा था कि अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो दोस्तों आपको PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो सालाना 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें प्रोवाइड कराई जाती है, कुल 6 हज़ार रुपये वो आपको दिए जाएंगे। क्योंकि इस लिस्ट में उन्हीं किसानों का नाम है जिन किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, उन सब तमाम किसानों के नाम जो है इस लिस्ट में जारी किए गए हैं। तो आप भी जो है इस लिस्ट में अपना नाम चेक करके सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस साइट का लिंक जो है मैंने यहां से कॉपी करके आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से यहां पे ये प्रॉपर विंडो जो है ओपन होगी। इसमें आपको बेनिफिशियरी लिस्ट अंडर पीएम किसान के नाम से आपको इसमें कुछ बेसिक सी डिटेल आपको भरनी है। ये लिस्ट जो है हर मिनट में अपडेट होती रहती है, तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, अपने राज्य का नाम, उसके बाद यहाँ पे अपने ज़िले का नाम भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि उप ज़िले का नाम फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने ब्लॉक खंड का नाम फिलअप करेंगे, उसके बाद अपने गांव का नाम यहाँ पे भरने के बाद आपको गेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और आप जो है आपके सामने अपने गाँव की नई लिस्ट जो है अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें आप अपने गाँव की ही लिस्ट का नहीं, आप अपने किसी भी पड़ोसी रिश्तेदार या मिलने वाले के गांव के लिस्ट में भी उसका नाम चेक करके आप बता सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन पर घर बैठे बहुत ही इजी वे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाएंगी, और बिना झंझट के घर बैठे आराम से वो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो नई लिस्ट है इसमें अपना नाम चेक करके और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी भी आपके पास टाइम है, इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास में जो बेल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले नोटिफिकेशन मैसेज के माध्यम से आप चेक कर पाएँ। और दोस्तों किसी भी प्रकार की PM किसान सम्मान निधि योजना या हर प्रकार की गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी योजना की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल की सरकारी योजनाओं के नाम से प्लेलिस्ट में जाके आप हर प्रकार की
सरकारी योजनाओं की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने लगभग गवर्नमेंट की हर सरकारी योजना का वीडियो हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध करा रखा है। लगभग 100 प्लस सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रोवाइड करा रखी है। किसी भी योजना के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करेंगे, उसी योजना के बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, तो आप वो वीडियो वॉच करके और उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा। तो मिलेंगे इसी प्रकार से एक और नई ताज़ा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पहले देखो पहले सीखो किसान यूट्यूब चैनल के साथ।